खेल का राज्य के प्रति कैसे विकास होगा और सोच पैदा करने वाला है। 2024 में ओलंपिक होने वाला है। भारत सरकार ने सोचा कि शहर के नौजवान ही केवल आते हैं ओलंपिक में, केवल हरियाणा के लोग ही आते हैं ओलंपिक में, क्यों नहीं पूरे देश के गांव के प्रतिभाओं को हम ओलंपिक में भी लाके। पिछले 2 साल पहले भारत सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना बनाया और हर्षवर्धन सिंह हमारे खेल युवा के मंत्री हैं, उन्होंने पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों से एक आयोजन करवाया और उस आयोजन में जो कलाकार या जो खिलाड़ी आए उनको चयनित करके करीब 1 खिलाड़ी पर करीब 20 से 25 लाख रुपया खर्च हो रहा है। 4 बरस में उनको तैयार करके हम लोग अगला ओलंपिक जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा पदक आए उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ये भाव है। मैं कहना चाहता हूं अमरेंद्र जी हमारे मित्र हैं, बता रहे हैं योजनाओं के बारे में, कई योजनाओं की जानकारी हम लोग को नहीं। ट्रेन का टिकट लेते हैं हम लोग, चढ़ जाते हैं, दुर्भाग्य से किसी परिवार के ऐसा नहीं हो लेकिन दुर्भाग्य से कोई घटना अगर घट जाती है उस टिकट में भी हमारा बीमा है लेकिन किसी को जानकारी नहीं। दूसरे देशों में जानकारी है, सारे योजनाओं की जानकारी एक एक बच्चे को। आज तो इंटरनेट का जमाना है, आप इंटरनेट खोलिए, गूगल सर्च करिए, उसके बारे में पूरा जानकारी आ जाए। उस टिकट में आपको चढ़ने से उतरने तक जो घटना होती है उसका बीमा है। प्लेन पर चढ़ते हैं, आज प्लेन बहुत दूर था लेकिन आज आम आदमी भी ट्रेन के भाड़ा में प्लेन पर चढ़ रहे हैं, ये बदलाव हो रहा है। एक साधारण खिलाड़ी गांव में अच्छा खेलता है उसको अगर नेट पर लोग डालता है, वो बड़े लोग देखकर उसको बुलाते हैं अपने कोचिंग सेंटर में कि हमारे कोचिंग सेंटर में इसकी तैयारी कर रहे हैं। बंधु मेरे कहने का मतलब, मेरे जिला का नाम रोशन कैसे हो, एक तारी का कोई लड़का अच्छा पढ़े, अच्छा कलाकार बने, अच्छा खिलाड़ी बने, ये कैसे होगा? इसकी रचना तो ऐसे संगठनों में आएंगे तो प्रतिभा का विकास। प्रतिभा गांव में है। रामजी बाबू कह रहे थे नौजवान भटक रहे हैं। बंधुओं, सोने का चिड़िया कहा जाता था इसलिए नहीं कहा जाता था कि यहां बहुत अकूत संपत्तियां थी, सोने का मंदिर था इसलिए नहीं कहा था। विचार से, धन धान्य से, बौद्धिक संपदा से ये भारत संपन्न था। दुनिया की नजर यहां टिकी रहती थी। यहां जो लुटेरे भारत में आए केवल संपत्ति लूट कर नहीं ले, हमारे ग्रंथों को ले, हमारे जो क्षमतावान लोग थे उनको चुरा लिए। कई खिस्सा में दंतकथा भी होगा, हम लोग सुना करते थे कि कोयलवर पुल बनाने वाले मिस्त्री का एक अंगूठा काट दिया, होता था। अच्छे कलाकार जो ताजमहल का निर्माण किसी ने किया होगा तो उसका भी यही हर्ष होगा, वो राजा ने कहा होगा कि आपको हम जीने नहीं देंगे इसलिए नया बना दें। लेकिन परिवर्तन हो,